तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रहबर काजमी आज फिर से आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुवैत के अमीर यानी यहां के क्राउन प्रिंस और प्रेसिडेंट, जो कि एक ही खानदान से बदलते रहते हैं, तो आज हम इन शेखों के जीवन काल पर थोड़ी नजर डालने वाले हैं कि दोस्तों इन लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या काम अंजाम दिए, वो किस तरह के नेचर के थे, कब से कब तक जिए। आज दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शेख सवाल अहमद अल जाबिर अल सबा की, जिनका नाम दोस्तों कुवैत में बड़ा ही फेमस है और दोस्तों जो कि 2020 में इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो दोस्तों, शेख सवाल अहमद की पैदाइश 16 जून 1929 ईस्वी को कुवैत में हुई थी और दोस्तों इनका अभी 2 साल पहले 2020 में इंतकाल हो गया है। उस वक्त दोस्तों इनकी उम्र 91 साल थी। दोस्तों शेख के वालिद का नाम शेख अहमद अल जुबैर था। दोस्तों शेख सबक काफी खुश मिजाज और नरम मिजाज शख्सियत थे और इनका स्वभाव सभी के साथ काफी पोलाइट था। दोस्तों शेख सबा को अमीर यानी प्रेसिडेंट के खिताब से 2003 में सम्मानित किया गया था, जो कि दोस्तों शेख 2003 से अपने इंतकाल 2020 तक कुवैत के अमीर रहे। दोस्तों शेख सबा अपने कार्यकाल में बतौर अमीर बहुत ही सक्सेसफुल रहे और कुवैत को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों शेख ने कुवैत की आर्मी रियासतों के साथ ताल्लुकात की बहाली में ही बहुत ही अहम योगदान दिया। दोस्तों शेख सवाल अहमद के सभी के साथ अच्छे बिहेवियर की वजह से इन्हें 12 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है और दोस्तों सन 2019 में तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से इन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया और वहाँ 7-8 महीने इलाज के बाद 29 सितंबर 2020 को ये इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों अब बात करते हैं शेख मशायल अल अहमद अल जाबिर अल सबा की, जो कि दोस्तों शेख अहमद अल जाबिर अल सबा के बेटे हैं। दोस्तों इनका जन्म 27 सितंबर 1940 में हुआ था और दोस्तों इनकी उम्र अभी 81 साल है, जो कि शेख सवाल अहमद के बाद यानी 2020 के बाद इन्हें कुवैत के क्राउन प्रिंस के खिताब से नवाजा गया। तो दोस्तों प्रेजेंट में ये कुवैत के प्रिंस यानी यहाँ के वलीद अहद है। तो दोस्तों अब बात करते हैं शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा की, जो कि दोस्तों इस वक्त यहां के प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों शेख नवाफ अल अहमद इस वक्त कुवैत के अमीर अजीज यानी प्रेसिडेंट और कुवैत मिलिट्री फोर्स के कमांडर भी हैं। दोस्तों 30 सितंबर 2020 को ये अपने सौतेले भाई यानी शेख अल सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा के इंतकाल के बाद उनकी जगह लेकर यहाँ कुवैत के अमीर यानी प्रेसिडेंट की सीट पर बैठे हैं। दोस्तों शेख नवाफ अल अहमद को 2006 में अपने भाई शेख सबा के टाइम में क्राउन प्रिंस से नवाजा गया था, जो कि दोस्तों अब इनके प्रिंस बनने के बाद ये खिताब इनके भाई शेख मसाइल अल अहमद को मिला है। दोस्तों ये सिलसिला इनके खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, यानी दोस्तों एक के इस दुनिया से जाने के बाद इनकी फैमिली से ही दूसरा बेटा यहाँ का प्रिंस और प्रेसिडेंट बन जाता है। और दोस्तों क्या आपको मालूम है, कुवैत में इन लोगों के नाम से ज्यादातर रोड, मेडिकल सेंटर, कॉलेज वगैरह बने हुए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं शेख साद अल अब्दुल्ला अल सालिम अल सबा की। दोस्तों शेख साद अल अब्दुल्ला अल सालिम का जन्म 1930 में हुआ था और दोस्तों शेख साद अल अब्दुल्ला कुवैत के अमीर यानी यहाँ के प्रेसिडेंट और कुवैत मिलिट्री फोर्स के कमांडर भी रहे। 24 जनवरी 2006 तक ये कुवैत के अमीर रहे। दोस्तों शेख जाबिर अल अहमद अल जाबिर अल सबा के बाद 9 दिनों यानी 15 से 24 जनवरी 2006 तक ये कुवैत के अमीर रहे। दोस्तों शेख साद अल अब्दुल्ला कुवैत की सेना के एक जनरल कमांडर थे और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 16 फरवरी 1978 तक ये कुवैत के आंतरिक मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले पहले इंसान रहे और दोस्तों सन 1964 के बाद ये रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले पहले सैन्य अधिकारी भी रह चुके थे। और दोस्तों 13 मई 2008 को ये इस फानी दुनिया से कूच कर गए। तो दोस्तों अब बात करते हैं शेख जाबिर अल अहमद अल जाबिर की। तो दोस्तों शेख जाबिर अल अहमद की पैदाइश 19 जून 1926 में हुई थी और दोस्तों इनका इंतकाल 15 जनवरी 2006 में हो गया था। दोस्तों शेख जाबिर कुवैत के आला तरीन अमीर और कुवैत की मिलिट्री के कमांडर थे। दोस्तों 31 दिसंबर 1977 से उनके इंतकाल तक यानी 15 जनवरी 2006 तक इनकी कुवैत पर हुक्मरानी रही। दोस्तों शेख जाबिर ब्रिटेन की आज़ादी के बाद तक कुवैत पर राज करने वाले तीसरे सम्राट थे। दोस्तों शेख जाबिर ने पहले 1962 से 1965 तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और अर्थव्यवस्था मंत्री के रूप में भी काम किया था। दोस्तों शेख को कुवैत का राजभार सौंपने से पहले उन्हें कुवैत का प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था। दोस्तों शेख जाबिर अपने परिवार के 13वें प्रेसिडेंट थे।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम शेख सबा अल सालिम अल मुबारक अल सबा की। दोस्तों शेख सबा अल सालिम 12 अप्रैल 1913 में पैदा हुए थे और 31 दिसंबर 1977 में इनका इंतकाल हो गया था। दोस्तों ये अपनी इब्तदाई तालीम के बाद कुवैत के प्रेसिडेंट और कुवैत मिलिट्री के कमांडर बने थे। दोस्तों शेख का कार्यकाल 24 नवंबर 1965 से 1977 यानी अपने जीवन के अंतिम पलों तक कुवैत के अमीर के रूप में रहा था। दोस्तों इनके नाम से भी कुवैत में काफी सरकारी ऑफिसेज, रोड और मेडिकल सेंटर बने हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं शेख अब्दुल्ला अल सालिम अल मुबारक की। तो दोस्तों शेख अब्दुल्ला की पैदाइश 1895 में हुई थी और दोस्तों इनका इंतकाल 24 नवंबर 1965 में हुआ था। दोस्तों शेख अब्दुल्ला 29 जनवरी 1950 से 1965 तक कुवैत के अमीर और कुवैत मिलिट्री फोर्स के चीफ कमांडर थे। दोस्तों 19 जून 1961 को कुवैत की ब्रिटेन से आज़ादी के बाद उन्हें कुवैत का अमीर यानी प्रेसिडेंट का खिताब से नवाजा गया और दोस्तों शेख अपनी ज़िंदगी के 4 साल कुवैत पर राज करने के बाद सन 1965 को इस फानी दुनिया से रहलत फरमा गए। तो दोस्तों अब बात करते हैं शेख अहमद अल जाबिर अल मुबारक अल सबा की। दोस्तों शेख की पैदाइश 1850 ईस्वी में हुई थी और दोस्तों 29 जनवरी 1950 यानी अपने इंतकाल तक ये कुवैत के प्रेसिडेंट रहे। दोस्तों शेख अहमद अल सबा कुवैत के दूसरे प्रिंस के बेटे थे। दोस्तों इनके वालिद के इंतकाल के बाद ये कुवैत के 8वें प्रिंस थे। दोस्तों शेख अहमद एक माहिर घुड़सवार सेना के कमांडर थे और दोस्तों शेख अहमद पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स के भी डायरेक्टर थे। दोस्तों शेख अहमद ने 1920 की शुरुआत में शेख अली सलीम को अपनी घुड़सवार सेना और पैदल सेना का काम इन्हें सौंप दिया था। दोस्तों 1936 में ब्रिटिश निवेशित यहूदी यानी इसराइल के अरब निवासियों ने शेख अहमद अल जाबिर से पैसों की सहायता मांगी, बट दोस्तों शेख ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया और साथ ही कुवैती राजघरानों और अदर प्रमुख हस्तियों को ब्रिटिश जनादेश अरब निवास की मदद करने से प्रतिबंधित कर दिया। दोस्तों शेख ने अपने शासनकाल के आखिरी सालों के दौरान यानी 1940 से 1950 तक ये कुवैत के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी वित्तीय मंत्री रहे। तो फिर इनका इंतकाल 1950 में कुवैत के 10वां पैलेस में हो गया था। दोस्तों अब बात करते हैं शेख सालिम अल मुबारक अल सबा की। दोस्तों शेख सालिम का जन्म 1864 में हुआ था और 23 फरवरी 1921 यानी अपने इंतकाल तक ये कुवैत के 9वें शासक थे। दोस्तों शेख सालिम मुबारक अल सबा की दूसरी औलाद थी, अल सबा फैमिली की अल सालिम शाख के बुजुर्ग थे। दोस्तों शेख सालिम ने 5 फरवरी 1917 से 23 फरवरी 1921 तक कुवैत पर शासन किया। दोस्तों शेख सालिम ने अपने इंतकाल के बाद अपने भाई शेख अल जाबिर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और दोस्तों 1920 में कुवैत एरिया जिसका नाम जहरा है उसकी लड़ाई के दौरान ये रक्षा और सुरक्षा बलों के पैदल सेना के कमांडर भी रहे। और दोस्तों फरवरी 1921 में इनके इंतकाल के बाद अहमद अल जाबिर अल सबा कुवैत के शासक बने थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप आगे भी कुवैत से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि दोस्तों मैं आगे भी कुवैत से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।